नवी मुंबई नेटवर्क। संभव है परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर, सम्मान जिद का, सम्मान गुणवंत गुणवत्ता का, पे बैक टू सोसाइटी, जीवन के इन्हीं मूल्यों के साथ संघर्षमय पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने के माध्यम से राजश्री छत्रपति शाहू महाराज जी की 149वीं जयंती के उपलक्ष में रबाल स्थित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय में सम्मान जिद का, सम्मान गुणवंत गुणवत्ता का इस उपक्रम के तहत स्कूल के टॉपर्स और गुरुजनों को मान सम्मान देते हुए सत्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में सुधाकर सुनावने के साथ पूर्व नगर सेविका रंजना सुनावने, माध्यमिक विद्यालय के मुख्य अध्यापक अमोर खर सांबले, मुख्य अध्यापक जयप्रकाश सिंह, प्राचार्य रंजना वंशा, क्राय संस्था की पल्लवी येड़कर, राज एकेडमी के राजेंद्र सर व सचिन शिंदे, विश्व बालक केंद्र की वर्षा मैडम और शशिकांत वाघमारे, कोटक एजुकेशन फाउंडेशन की गौरी झा, स्कूल कोऑर्डिनेटर कमलेश इंगले आदि तमाम शिक्षकगण और विद्यार्थी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान सुधाकर सुनावने के माध्यम से विद्यार्थियों को राजश्री छत्रपति शाहू महाराज जी के जीवन का स्मरण करवाते विचार वेद कार्यक्रम का प्रसारण कर विचारों के बीज छात्रों के मन में बोए गए। बता दें कि नवी मुंबई में राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय का इस साल 10वीं का परीक्षा परिणाम 96.10% रहा है। ऐसे में स्कूल के हिंदी और मराठी माध्यम के 10वीं के गुणवंत छात्रों का उनके अभिभावकों के साथ जाहिर सत्कार कर उन्हें स्कूल बैग और नोटबुक का वितरण कर उनका सम्मान किया गया। बता दें कि इस अवसर पर 80% से ऊपर अंक लाने वाले तकरीबन 44 विद्यार्थियों का मान्यवरों के हाथों जाहिर सत्कार किया गया। साथ ही 85% से ऊपर अंक लाने वाले स्कूल के 11 छात्रों को कोटक एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से 2 वर्षों के लिए 1,26,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई। इस दौरान सुधाकर सुनावने ने राजश्री छत्रपति शाहू महाराज जी के विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाते हुए कहा कि संघर्ष के मार्ग में चलने वाला ही जीवन में सफलता जरूर पा सकता है, और ऐसे में सभी विद्यार्थी अपने जीवन में लक्ष्य लें और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान एक कर दें। इतना ही नहीं, इस दौरान स्कूल में टॉपर्स आए विद्यार्थियों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए अपनी जिंदगी की सफलता के पीछे सुधाकर सुनावने के मजबूत साथ को बेहद अहम करार दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सुधाकर सुनावने ने कहा कि संघर्ष के बाद भी सफलता छूने वाले इन बच्चों को देखकर लगता है कि 20 वर्षों पहले देखा सपना आज साकार हुआ। अनुभव यही है कि हमने जैसे कहा कि नवी मुंबई महानगर पालिका ने 2002 में जिला परिषद से शिक्षण मंडल को अपने पास वर्ग कर लिया, और उसी समय 2002 में आदिवासी कातकरी पाड़ा से इस राजर्षि शाहू महाराज विद्यालय की शुरुआत हुई थी। आज 21 साल हो गए
और ये नई बिल्डिंग में आके हमें 16 साल हुए हैं। तो इस 16 साल में हमने जो कुछ भी पाया है वो जिस उद्दिष्ट को लेके हमने शुरुआत की थी उस उद्दिष्ट को सफल होता हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि गायत्री महंतो हमारी जो लड़की थी उसने इतना बड़ा नवी मुंबई में नाम रोशन किया, उसके बाद में वो विजेटी आई गई और वहाँ से इंजीनियर बन के आज वो बेंगलोर में बहुत बड़ी कंपनी में वहाँ पर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही है। या आज गायत्री योगी यहाँ पर ये जो लड़की है आप देख रहे हैं कि सफाई कर्मी यानी कि वो भी 2000 पे काम करने वाली, उसकी माँ एक चैरिटी संस्था में काम करती है, उन बच्चों ने एक अच्छा नाम रोशन किया है। तो शाहूजी महाराज विद्यालय में भले ही शिक्षकों की कमी है, साधनों की कमी है, इसके बावजूद भी जब इनको माहौल यहाँ पर तैयार करके दिया जाता है उस माहौल का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए ये बच्चे अपने परिवार का, अपने स्कूल का और अपने इस नवी मुंबई महानगर पालिका नाम रोशन करते हैं, इसका मुझे बहुत आनंद है और मेरा जो सपना है वो पूरा होता दिखाई देता है। ये स्कूल के चलते मुझे ना कोई राजनीति करनी है ना राजनीतिक फ़ायदा उठाना है, लेकिन जो सपना हमने 20 साल पहले देखा था वो साकार होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुधाकर सुनामनी ने इस दौरान वह वृद्धवाक्य के फिर दोहराया, पे बैक टू सोसाइटी, समाज को दो तो समाज आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। देखिए जैसे हम प्रकृति से ऑक्सीजन लेते हैं तो पेड़ पौधे लगाना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हम अगर यहाँ पर कुछ मिनरल्स लेते हैं तो उसको फिर जो रिवर्ट करना ये मानव मनुष्य की जिम्मेवारी है। वैसे समाज में ये जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, इनके प्रति हमारे मन में अगर अच्छी भावना है और उसके चलते हमें अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारे जो समाज बांधव वहाँ पर है उसको सहयोग करना वो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। उसको पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं कि हम अगर समाज को कुछ अगर देंगे तो समाज में हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ सकता है। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी का आह्वान हम हमेशा करते हैं और उसके चलते कई संस्थाएं यहाँ हमारे पास आती है, जो बच्चे अच्छा टॉप करते हैं और बहुत बड़ी नौकरी पे चले जाते हैं वो भी आके यहाँ पर सहयोग देते हैं, इसका निश्चित रूप से हमें फायदा हुआ है। वही उन्होंने विद्यार्थियों को गुरु मंत्र देते हुए कहा कि अंदर से विचार करो और निरंतर आगे बढ़ो। गुरु मंत्र तो यही है, देखिए आप पूरी तरह सोशल मीडिया और ये सारी मीडिया के माध्यम से जागरूक हो चुके हो। अपना दिमाग अत्त दीप भव स्वयं दीप भव, यानी कि अत्त दीप जो है आपके अंदर की आवाज़ को सुनो और विचार करो। ना किसी नेता ने कहा है या किसी ने कहा है तो उसके पीछे मत चलो, आप शिक्षित बनो और अपने अंतरात्मा को पूछो मुझे क्या करना चाहिए, ये गुरु मंत्र आज के दिन में है। इस दौरान सुधाकर सुनानी और विद्यार्थियों के बीच एक मजबूत आत्मिक रिश्ता भी साफ दिखाई दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।